नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सेल्स का एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आप लोग सेल्स बेल प्रिंट कर रहे हैं तो आप लोगों को इस पॉइंट का खासा ध्यान रहना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए कि सेल्स के 3 प्रिंट निकाले जाते हैं। जनरली आप लोग ये नहीं जानते, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सेल्स के 3 बिल क्यों निकालते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहां पर कंट्रोल पी करते हैं और यहां पर आप चेक करें तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ कॉपीज का। तो नंबर ऑफ कॉपीज पे आपको दिख रहा है कि आपका अभी नंबर ऑफ कॉपीज पर 1 आ रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज पर 1 नहीं 3 आता है। और मैं आपको बताता हूं वो आपको करना चाहिए, और बिल्कुल ध्यान से कॉन्फ़िगर पर जाइए, और कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप यहां पर सिंपल सा एक प्रोसेस यूज कीजिए। यहां पर नंबर ऑफ कॉपीज का ऑप्शन आएगा, इसको एंटर कीजिए और यहां पर आप इसे 3 कॉपी कर दीजिए। और इसका क्या रीजन है मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, हमारे पास 3 कॉपीज निकलती हैं, और 3 कॉपीज किसके किसके लिए निकलती हैं ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। अभी मैं यहां पर ऑल ले रहा हूं, 3 कॉपीज लेने के बाद मैंने यहां पर ले लिया है ऑल, और उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, एस्केप करके इसे प्रीव्यू में आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू लेता हूं, आप चेक करें मेरे पास इसका प्रिंट आ चुका है, और अब आप चेक कर सकते हैं एक छोटा सा मैसेज, और वो मैसेज क्या है जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा आ रहा है ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, यानी जो पहली कॉपी होती है वो जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके लिए होती है, ये फर्स्ट कॉपी होती है। लेकिन बात करें, अगर आप इसको पेज को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप दूसरी कॉपी पर आएंगे तो दूसरी कॉपी आपको दिखाई देगी, और उस पर आपको देखने को मिलेगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, यानी अगर आप माल सप्लाई कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू तो दूसरी कॉपी आप ट्रांसपोर्टर को देंगे, यानी बिल की एक कॉपी ट्रांसपोर्टर को भी मिलेगी, एक कॉपी आपको रिसिपिएंट को देनी है, और एक कॉपी आप देखिए दोस्तों तीसरी जो कॉपी होती है वो क्या होती है, तो आप देखें तीसरी जो कॉपी है सप्लायर की होती है। तो याद रखें, हमेशा हम लोग सेल्स की 3 कॉपी प्रिंट करते हैं। जनरली आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब आप एक अकाउंटिंग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कभी भी जब भी आप प्रिंट निकालें तो 3 कॉपीज निकालें। और इसका मेन पर्पस यही होता है 3 कॉपीज का, क्योंकि एक सप्लायर खुद रखता है और एक रिसिपिएंट के पास जाती है, और दूसरी कॉपी जो तीसरी कॉपी होती है वो हमारे जो हमारा ट्रांसपोर्टर होता है उसको चाहिए होती है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है प्रिंट का ये फंक्शन वर्क करता है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप प्रिंट लें तो ये नंबर ऑफ कॉपीज का जो पॉइंट है ये आप लोग फिक्स करके रखें। क्योंकि चलिए बात करते हैं अगली जानकारी की, और अगली जानकारी है एक बात से रिलेटेड। अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक मेरी कंपनी है, इस कंपनी में मैं एंट्री करने वाला हूं। दोस्तों यहां देख सकते हैं आप लोग, यहां पर मैं एक सेल एंट्री पास कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक पार्टी है जो किशन है, इस पार्टी को मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं और सेल एंट्री में पास कर रहा हूं। सेल एंट्री में मेरे पास एक प्रोडक्ट है शर्ट, और अगर आप यहां पर चेक करें मैंने 15 पीसेस 150 रुपए के या 1500 के हिसाब से यहां पे शर्ट लगा दिया है। अब मैं यहां पर दो लेजर्स बनाऊंगा जो कि है सीजीएसटी और एजीएसटी का। तो मैं यहां पर सीजीएसटी का लेजर बना रहा हूं, तो आप देख सकते हैं मैंने सीजीएसटी का लेजर तो यहां पर बना दिया है, और सीजीएसटी का लेजर बनाते समय आपको पता है यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया। उसके बाद मैं यहां पर जीएसटी लूंगा, उसके बाद दोस्तों टैक्स टाइप आप देख रहे हैं, यहां पर टैक्स टाइप में एक नई चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये कहते आया आपको यहां पर टैक्स टाइप में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड यूटीजीएसटी, यूटी टैक्स। अब ये यूटी टैक्स क्या है दोस्तों, याद रखिए अगर आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यानी कि आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी में है, तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर वो जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा जीएसटी के बारे में जानकारी पता चल जाएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं। जीएसटी के बारे में एक वीडियो प्रॉपर बना हुआ है, ये वीडियो आप जाकर देखें, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी में से कोई है तो उसमें सेंट्रल टैक्स के साथ आपको यूनियन टेरिटरी टैक्स लगाना है, उसमें स्टेट टैक्स नहीं लगाना है। तो इस केस में पहला टैक्स तो आपका सीजीएसटी लगेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा टैक्स होगा वो एसजीएसटी नहीं, वो यूटीजीएसटी लगेगा। तो दोस्तों याद रखिए, इस केस में आपको जो दूसरा टैक्स लगाना है वो यूटीजीएसटी लगाना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये याद रखना है। लेकिन अभी आप जानते थे कि जब भी आप दिल्ली से दिल्ली में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाने की परमिशन है, क्यों है क्या है इसके लिए आपको वो वीडियो जरूर वॉच करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका लॉ क्यों है। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये जो कंपनी है वो कहां की है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कंपनी का जो पर्टिकुलरली स्टेट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो F11 प्रेस करके यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में आता है। तो यूनियन टेरिटरीज में अगर चंडीगढ़ आ रहा है तो इसकी वजह से वहां पर यूनियन टेरिटरी दिखा रहा है, स्टेट जीएसटी नहीं दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको खासे अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।